जय हिंद दोस्तों। सच तक न्यूज के सीईओ मनीष कश्यप विवादों से घिर गए, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। हमेशा चर्चा में रहने वाले मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगा है, जिसके चलते गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वैसे मनीष कश्यप पहले भी कई बार गिरफ्तार हुए। उन्होंने 2019 में पटना की एक मार्केट में करीब 20 लोगों के साथ लाठी डंडे से कश्मीरी दुकानदारों को पीटा, जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस घटना के पहले बेतिया में मूर्ति तोड़ने के मामले में भी उन पर मामला दर्ज हुआ था। यहां अस्पताल परिसर में किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति को उसने तोड़ दिया था। दोस्तों, कश्मीरी दुकानदारों संग मारपीट में उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि शिकायतकर्ता ने हाथापाई के तहत मामला दर्ज कराया था। बेतिया मामले में तो मनीष कश्यप पर राष्ट्रवाद के नाम पर फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर हिंसा फैलाने का आरोप लगा था। डीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि मनीष कश्यप और उनके साथियों ने सोशल मीडिया पर लोगों से राष्ट्रवाद के नाम पर आगे आकर मूर्ति तोड़ने की अपील की थी। और अगर ताज़ा मामले पर गौर करें तो मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहारी मजदूरों के खिलाफ हुई हिंसा से जुड़े फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगा है। दोस्तों, पूछताछ में आरोपी राकेश कुमार रंजन ने स्वीकार किया है कि जो फर्जी वीडियो अपलोड हुआ वो कुछ लोगों के सहयोग से बनाया गया था, जिसमें मनीष कश्यप भी शामिल थे। इसके लिए उन्होंने जक्कमपुर के बंगाली कॉलोनी में एक मकान किराए पर लिया और जहां पूरी शूटिंग संपन्न हुई थी।